गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर आगे की क्लास में उपस्थित हुए हैं। इसके पहले मैंने आपको रूट्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाया हुआ था। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक बार पुनः मैं रिवाइज कर देता हूँ। कभी कभी क्या होती हैं, पौधे के कुछ विशेष भाग जो होते हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ विशेष रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि अभी अगर हम जड़ की बात कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो कुछ विशेष रूप धारण कर लेती हैं अपनी आवश्यकताओं के आधार पर। तो इस रूपांतरण को हम जो बोलते हैं वो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जिसकी मैंने डेफिनेशन विस्तृत रूप में आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी, आप उसको जरूर देखे होंगे। इसके बाद उसमें मैंने बताया था कि जो जड़ें होती हैं प्लांट्स में, आप सभी जानते हैं रूट्स, देयर आर टू टाइप्स की रूट्स होती हैं। दो प्रकार की रूट्स में पहली जो होती है वो मूसलाधार या टैप रूट्स होती है। टैप रूट्स क्या होती हैं? टैप रूट्स वे होती हैं जो बहुत अधिक गहराई तक जाती हैं, जिसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती हैं, जो वृक्षों को साधे रखती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, वो सब कहलाती हैं आपकी प्राय टैप रूट्स कहलाती हैं। तो टैप रूट्स में हमने मॉडिफिकेशन देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेज। आज का जो हमारा रूट है वो रूट का मॉडिफिकेशन तो है, लेकिन कौन से रूट का? एडवांटेज रूट। अब स्थानिक जड़ों का रूपांतरण किस प्रकार होता है वो आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो आज के वीडियो में हम आज देखते हैं कि सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो होता है ट्यूबरस रूट्स। जो पहला प्रकार है वो है ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स हिंदी में इसको कंदे मूल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, उदाहरण से आपको बहुत अच्छे समझ में आया है, आप सभी ने स्वीट पोटैटो देखा होगा, शकरकंद जिसको हमारी लैंग्वेज में शक्ला वगैरह हम लोग कहते हैं, उसका जो आपने देखा होगा उससे आपको समझ में आया तो वो ट्यूबरस रूट्स का एग्जाम्पल है, एडवेंटियस रूट्स का। तो प्लांट्स के जो तने की नोक से इस प्रकार का रूपांतरण जो होता है वो कहाँ से होता है? आप देखेंगे कि प्लांट्स का जो तना होता है, प्लांट्स के तने के नोड से इनका निर्माण होता है, प्लांट्स के तने के नोड से इनका निर्माण होता है। यह नोड्स पृथक पृथक प्रकार के होते हैं, फूड स्टोरेज के कारण ये अनियमित रूप से फूल जाते हैं। और मैं आपको एक बता देता हूँ, स्वीट पोटैटो इसका एग्जाम्पल देखा होगा, ये स्वीट पोटैटो। और ये स्वीट पोटैटो जो है वो जो एग्जांपल है वो ट्यूबरस रूट्स है। यहाँ पे नूर पर्व संधियों से इसका निर्माण होता है, ये एडवेंटियस। तो फिर सर मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था, इसके पहले लेक्चर में, वो मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट तो था, लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स दो प्रकार की जड़ों में अलग अलग होता है। पहले हमने पढ़ा था टैप रूट्स में, टैप रूट अर्थात मूसलाधार में, उसमें हमने चार प्रकार के पढ़े थे। अभी हम पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस अब स्थानीय जड़ों में जो जड़ों का रूपांतरण वो कैसे होता है? तो पहला जो हमने आज देखा क्या, ट्यूबरस रूट। दूसरा जो प्रकार होता है वो फैसिकुलेटेड फ्रूट कहलाता है, फैसिकुलेटेड रूट। फैसिकुलेटेड रूट अर्थात गुच्छों के रूप में, गुच्छे। आप देखेंगे कि कुछ जो पौधे होते हैं उनके नोड होते हैं, ये भी तने के नोड से ही इनका जो होता है निर्माण, पौधे के तने के आधारी भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, और ये भी नोड से ही निकलती है, पर्व संधियों से ही निकलती हैं, जो कि फूड स्टोरेज के कारण अनियमित रूप से फूल जाती हैं। आपका इसका एग्जांपल जो है आपने डहेलिया देखा होगा, एस्परजिनस देखा होगा, हिंदी में हम इसको सतावर वगैरह भी बोलते हैं। सतावर इसका एग्जांपल है, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से इसको समझाता हूँ इसमें किस टाइप से होता है। ये एक आपने देखा होगा यहाँ पर नोड्स होती हैं, ये इस प्रकार से कैसे इसका रूपांतरण होता है। इसमें आप देखेंगे कि गुच्छे से बहुत सारी जड़ें अलग अलग से निकलती हुई आपको दिखाई देंगी, ये इस प्रकार से आपको अलग अलग जड़ें एक ही गुच्छे से, ये एक
की मुझे दिखाई देगी। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका है, सतावर वगैरह में इस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। अब मैं आपको तीसरे प्रकार का रूपांतरण बताता हूँ, जिसमें जो तीसरे प्रकार का रूपांतरण होता है वो पामेट ट्यूबरस रूट्स होती है। पामेट मतलब होता है हथेली, हस्ता का। जो तीसरा प्रकार है वो है पामेट इसमें होता क्या है, इसको हिंदी में हम पाव हथेली तो होती है, पार्मेट मतलब हथेली, हमारे हथेली जैसे हम ये हाथ रखते हैं इस प्रकार से हमें ये जड़ दिखाई देती है। इसमें भी तने के आधारी भाग से ही निकलती है, ये आधारी भाग से निकलने वाली आप स्थानिक जड़ें होती है जो चपटी होती है, तथा हमारे हथेली से उंगली नुमा दिखाई देती है। ऑर्किड वगैरह में ये पाया जाता है। इस प्रकार से हमको दिखाई देती है और कितनी जड़ें होती हैं वो इस प्रकार से ऐसे आपको दिखाई देंगे। हाथ जैसे हमारा हथेली है, ये हिंदी में इसको हस्ताकार कहते हैं, हस्ताकार, इससे आपको याद रहेगा। पाम मतलब हथेली होती है पाम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पामेट ट्यूबरस प्रकार की रूट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है वो न्यूडुलस। चौथा जो है हमारा न्यूडुलस रूट एडवेंटेज प्रकार का न्यूडुलस है। न्यूडुलस इसको हिंदी में हम ग्रंथिल भी बोलते हैं, ग्रंथिल जो है इसकी क्या विशेषता होती है, ये जो रूट्स होती हैं वो भूमिगत तने के अंदर आधारीय भाग से निकलकर, भूमिगत तने के आधारीय भाग से निकलकर सामान्य जड़ के रूप में वृद्धि करती है। भूमिगत जल है ना, कैसे होती है ये, भूमिगत जो तना होता है उसके आधारी भाग से निकलकर और सामान्य रूप से ये वृद्धि करती है। इनकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ, ये केवल आगे के भाग में इनमें फूड स्टोरेज होता है, पूरे में नहीं होता। आप जैसे अदरक वगैरह में देखा होगा जिंजर में, उस प्रकार से इसमें होता है, अदरक आपने समझ में देखा है, इसमें केवल आगे का ही भाग होता है, ये आगे का भाग केवल कहलाता है आपका न्यूक्लियस फॉर्म। इस प्रकार से इसमें रूपांतरण पाया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। ये आप अदरक में देख सकते हो, अदरक की जो जड़ें होती हैं वो इसी प्रकार से होती हैं। इस अदरक जो होता है उसमें कौन सी एडवेंटेज प्रकार की रूट्स पाई जाती है, जो न्यूक्लियस रूट्स होता है। ठीक है, और इसके बाद जो पांचवा प्रकार है वो मैं आपको बताता हूं, पांचवा और सब छह प्रकार से है, पांचवे में मैं आपको बताता हूं मोनिली फॉर्म रूट, मोनिली फॉर रूट्स का जो प्रकार है, पांचवा प्रकार है मोनिली फॉर रूट्स। आपका मोनिली फॉर्म रूट्स में क्या होता है कि इस प्रकार के जो जो जड़ें होती हैं वो कुछ पौधे कुछ प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट्स में रूट्स होती है पतली होकर, मतलब पतली ना होकर एक निश्चित अंतराल में फूली फूली आपको दिखाई देगी। आप ऐसा देख सकते हैं जैसे कि एक माला होता है, एक मोती की माला की तरह इसकी जो होती है जड़ें वो हमको दिखाई देती हैं। इनको हिंदी में हम मणिकामय जड़ भी कहते हैं। एक इस टाइप से आपको देखेंगे, एक निश्चित स्थान पे ये आपको ऐसे बीच बीच में फूली हुई दिखाई देगी, मोती की माला जिस प्रकार होती है उस प्रकार ये आपको दिखाई देती है। इस प्रकार इनको हम बोलते हैं मोनिली फॉर्म रूट्स। इस प्रकार से ये होती है। ये इस प्रकार एक मोती की माला की तरह आपको दिखाई देगी। आपने अंगूर देखा होगा, अंगूर के पौधों में बैंकाइटिस
अंगूर में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद इसका जो छठवां और अंतिम प्रकार है वो है एनुलेटेड रूट्स। एनुलेटेड रूट्स क्या कहलाती है? एनुलेटेड रूट्स में इस प्रकार का रूपांतरण होता है कि पौधों की जो फूड स्टोरेज होने के कारण इसमें क्या हो जाती है, ये फूली फूली हुई दिखाई देती है। देखने में हम सबको ऐसा लगेगा कि एक के ऊपर एक छल्ला लटका हुआ, इसमें हमको एक के ऊपर एक छल्ला टाइप का दिखाई देता है ना, इस टाइप से इसकी जड़ें होती है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ।